हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से न्यूरेखा आईपीओ के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप न्यूरेखा आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप काफी इजीली देख सकते हैं कि न्यूरेखा आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आप इसके अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे हम न्यूरेखा आईपीओ के टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो आज यानी 23 फरवरी को इसके अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन है और आप कल मॉर्निंग से यानी 24 फरवरी से आप इसके अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो कल ही आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो उसके नेक्स्ट डे 25 फरवरी को ये शेयर्स आपके डीमेट में आ जाएगा और इसका लिस्टिंग बहुत एनएससी और बीएससी पे है और इसका लिस्टिंग डेट है 26 फरवरी 2021। यानी 26 फरवरी को आपको वेलटेल आईपीओ और न्यूरेखा आईपीओ दोनों लिस्ट होने जा रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आप इसके अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट equity2community.in पे विजिट करना होगा और जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो होम पेज में आपको दिखेगा हाउ टू चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको ड्रैग करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस। तो इसके नीचे आपको बीएससी इंडिया का वेबसाइट दिखेगा, इस पे भी क्लिक करके आप न्यूरेखा आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे चेक आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑफ न्यूरेखा आईपीओ, उसके रजिस्ट्रार वेबसाइट linkintime.co.in पे भी विजिट करके इसके अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये दोनों वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि वेलटेल आईपीओ का भी अलॉटमेंट स्टेटस आप इसके रजिस्ट्रार की वेबसाइट के फिनटेक पे विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं linkintime का वेबसाइट ओपन हो गया और यहाँ पे आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे न्यूरेखा आईपीओ सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंडिगो पेंट्स का सिलेक्ट करते हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर सबमिट करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद नीचे सबमिट बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पे जो भी लॉट साइज है वो सिक्योरिटीज अलॉटेड में दिखेगा और अमाउंट एडजस्टेड में आपको अमाउंट दिख जाएगा और सिक्योरिटीज अप्लाइड भी आपको दिख जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज अप्लाइड में जो भी लॉट साइज है वो दिखेगा, सिक्योरिटीज अलॉटेड आपको जीरो दिखेगा और अमाउंट एडजस्टेड भी आपको जीरो दिखेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। इसी तरीके से आप बीएससी इंडिया के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इक्विटी सेगमेंट पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इश्यू नेम में सिलेक्ट करना है न्यूरेखा आईपीओ, और उसके बाद आपको यहाँ पे 14 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है, फिर आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको अलॉटमेंट मिला होगा तो ये दिख जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो भी दिख जाएगा, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप इसके रजिस्ट्रार linkintime.co.in पे विजिट करके देख ले। तो इस तरीके से कल यानी 24 फरवरी से आप इसके अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे आप न्यूरेखा आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।